तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आज वापस मेरे लेक्चर में। तो आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, मतलब पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर अपन अब इन 2-3 दिनों में कवर करेंगे, कि बहुत सारा कवर कर लेंगे कि अपनी अभी दिवालियों की छुट्टी भी है तो अपन पढ़ सकते हैं। तो अपना ये लेक्चर चलेगा अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर, कि ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज़ होती है वो कैसे आई, कैसे डिराइव हुई, मैं आपको सब बताऊँगा। और अपन करेंगे खूब सारे क्वेश्चंस भी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि ये मैथ में 50% पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का होता है, और आप जानते हो फिजिक्स में भी बहुत सारी जगह ट्रिग्नोमेट्री लगती है, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री तो एक बेसिक चीज़ है जो आपको आनी चाहिए अच्छे से। तो अपन पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आज। इसमें सारी डेरिवेशंस करेंगे अपन, सारे फार्मूले डिराइव करेंगे, कॉस ए प्लस कॉस बी कैसे आया, कॉस ए प्लस बी कैसे आया, कॉस ए माइनस बी कैसे आया, टेन ए प्लस बी कैसे आया, टेन ए माइनस बी कैसे आया। और खूब सारे फार्मूले मैं आपको नए बताऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, पर वो फार्मूले है जेई में, जेई के एग्ज़ाम में तो आएंगे ना अपने काम, जैसे 10 45 माइनस थीटा क्या होता है, बहुत सारे फार्मूले ऐसे, 45 प्लस थीटा क्या होता है, वो मैं आपको सब बताऊंगा। तो चलिए अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले अपन करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री की सारी आइडेंटिटीज डिराइव, कि कैसे कौन सी आइडेंटिटीज आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे पास पहली आइडेंटिटी है साइन एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई क्या होती है मेरे पास? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। कुछ आइडेंटिटीज ऐसी ऐसी भी है जो कि आपको याद ही करनी पड़ेगी, उनको बिना याद करे अपन उनके आगे की आइडेंटिटीज डिराइव नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको ये याद करनी पड़ेगी। और दूसरी है कॉस एक्स प्लस वाई, ये क्या होती है? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। जैसा भी ये दो आइडेंटिटीज है आपके पास, आप इनको देख लीजिए एक बार, इनको याद कर लेना। और अब जैसे अब मेरे को इन्हीं से ही निकालनी है टेन ए एक्स प्लस वाई, तो मैं कैसे निकालूंगा? अगर मेरे को निकालनी है टेन एक्स प्लस वाई, तो क्या होता है वो मेरे पास? टेन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन बाय कॉस, तो मैं कर दूंगा साइन ए प्लस बी, मतलब एक्स प्लस वाई। आप ए रखो, वाई ए रखो, बी रखो, सी रखो, डी रखो, कुछ भी रखो, उससे कोई मतलब नहीं होता, कॉस एक्स प्लस वाई। तो अब मैं इन दोनों आइडेंटिटीज़ को रख दूंगा, क्या होती है ऊपर वाली? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब मेरे को टेन की टर्म में लाना है ना ये, तो मैं क्या करूँगा इसमें, मैं ऊपर और नीचे कॉस ए कॉस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा हर एक टर्म में। तो देखना आप मैं कैसे करूँगा, साइन एक्स कॉस वाई बाय कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई बाय कॉस एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई बाय कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो इससे मेरा क्या कट जाएगा? जैसे कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल हो गया, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, और ये मेरे पास बच गया, ये मेरे पास पूरा बच गया। तो इसकी मेरे पास वो क्या ही, इसको क्या बोलेंगे अपन, साइन एक्स बाय कॉस एक्स को टेन एक्स प्लस, इसको क्या बोलेंगे टेन वाई, क्योंकि इसमें वाई और इसमें एक्स था, ये तो बेसिक सी चीज़ें आपको आती होगी। वन माइनस इसको क्या बोलेंगे टेन एक्स, और इसको टेन वाई, तो वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। अब देखो कि अपन ने पहली आइडेंटिटी डिराइव कर ली है टेन एक्स प्लस वाई, आपको आ गई होगी कि कैसे करिए अपन ने इसको डिराइव, देख लो एक बार ढंग से, और इसके पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना। अपन अब दूसरे पेज की तरफ बढ़ेंगे। अब दूसरे पेज में अपन सीखेंगे दूसरी आइडेंटिटीज में, कि साइन एक्स माइनस वाई कॉस एक्स माइनस वाई को याद करेंगे, और फिर टेन एक्स माइनस वाई को डिराइव करेंगे। तो चलिए करते हैं डिराइव। वो अपने क्या होती है, तीस चौथी आइडेंटिटी, तीन उधर देख ली, साइन
साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई क्या होती है मेरे पास, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, और ऐसे ही पांचवी आइडेंटिटी कॉस एक्स माइनस वाई की क्या होती है मेरे पास, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस साइन एक्स साइन वाई, मतलब माइनस में प्लस आता है और प्लस में माइनस आता है कॉस की टर्म में, ठीक है। तो अपन करते हैं इसमें टेन ए माइन टेन एक्स माइनस वाई, टेन एक्स माइनस वाई निकालते कैसे है अपने पास, तो वह आ जाएगा साइन एक्स माइनस वाई अपॉन में कॉस एक्स माइनस वाई, ऐसे आएगा प्लस में अपने प्लस आया था तो माइनस में माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, डिवाइडेड में हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अब इसमें भी अपने को साइन टेन की टर्म में लाना है, साइन ऊपर है तो नीचे क्या करूँगा मैं, कॉस कॉस से मल डिवाइड, तो इसमें क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, डिवाइडेड में हो जाएगा मेरे पास कॉस एक्स कॉस वाई, इधर भी कॉस एक्स कॉस वाई, और नीचे क्या था कॉस एक्स कॉस वाई, इससे भी डिवाइड हो जाएगा इसमें कॉस एक्स कॉस वाई से, और प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये भी हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई से, देखो इसमें कॉस एक्स वाई से कॉस वाई कट गया, इसमें कॉस एक्स कट गया, इसमें पूरे कट के इसमें कुछ नहीं कटा, तो ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस टेन वाई बाय वन हो जाएगा इसका प्लस। अब ये देखो आप यहाँ पे माइनस था, मैं वही देखूँ कहीं ना कहीं गलती हो रही है, माइनस तो वन प्लस, ये टेन एक्स टेन वाई हो जाएगा, ये अपन ने कर लिया टेन एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी दे रहे। तो आपको देखिए आपको आ गया होगा कि कैसे करी अपन ने डिराइव। तो अपन चलते हैं दूसरे आइडेंटिटी की तरफ, ये अपनी सिक्स नंबर की आइडेंटिटी थी जो अपन ने अभी डिराइव करी, अब दूसरे आइडेंटिटी की तरफ चलता है। जैसे अपन ने टेन ए प्लस बी की करी थी, टेन एक्स माइनस वाई टेन एक्स प्लस वाई की करी थी, वैसे अपन कॉट एक्स प्लस वाई की भी तो कर सकते हैं। कॉट कॉट क्या होता है अपने पास, कॉस एक्स बाय साइन, कॉस एक्स बाय क्या कॉस बाय साइन, तो मैं लिख सकता हूँ कॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस वाई बाय साइन एक्स प्लस वाई। तो कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है मेरे पास, कॉस एक्स प्लस वाई होता है मेरे पास क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब देखो अपने को इसको कॉट की टर्म में लाना है, तो कॉट की टर्म में मैं कॉस पे काय का डिवाइड करूँ कि साइन आ जाए, साइन का करूँगा कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, दोनों में डिवाइड कर दूंगा मैं साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स साइन वाई का डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ, अभी डिवाइडेड में आ जाएगा क्या आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई अपॉन में साइन एक्स साइन वाई, और इधर आ जाएगा प्लस में कॉस एक्स साइन वाई अपॉन में साइन एक्स साइन वाई, इधर साइन एक्स से साइन वाई कट गया, इधर साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, इधर पूरी कट गई, इधर क्या कटेगा कुछ भी नहीं कटेगा, तो ये क्या आ गई मेरे पास, ये आ गई मेरे पास कॉट ए, ये कॉट हो गया, ये कॉट भी हो गया, कॉट भी माइनस वन ये पूरा ही कट गया, अपॉन में क्या आ गया कॉट कॉट वाई
कॉट ये कॉट एक्स कॉट वाई है, ये कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। आगे आपको कैसे पता डिराइव करी आइडेंटिटी समझ में आई होगी। अब ऐसे ही करेंगे अपन कॉट एक्स माइनस वाई की। अब अपन करते हैं कॉट एक्स माइनस वाई की, उसमें क्या क्या लगेगा अपने पास, वो होती कॉस बाय साइन, तो इसमें जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई और साइन एक्स माइनस वाई, तो इसमें क्या होगा कॉस कॉट ए एक्स माइनस वाई में कॉस एक्स माइनस वाई साइन एक्स माइनस वाई, तो कॉस एक्स माइनस वाई क्या होता है अपने पास, होता है वो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई अपॉन में। अब साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या होता है, साइन एक्स माइनस साइन वाई होता है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, तो इससे क्या रहेगा, वापस अपन को साइन से डिवाइड करना होगा क्योंकि कॉट की टर्म में लाना है, तो कॉस एक्स कॉस वाई अपॉन में साइन एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई अपॉन में साइन एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाय होल डिवाइड होगा ये किससे, साइन एक्स कॉस वाई अपॉन में साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन में साइन एक्स साइन वाई। अब इधर देखो आप क्या करेगा, ये पूरा कट गया, इधर क्या कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा, इधर साइन एक्स कट गया, इधर साइन वाई से साइन वाई कट गया, तो इसका क्या आ गया अपने पास कॉट एक्स कॉट वाई प्लस वन अपॉन में क्या आ गया ये कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। देखो अपन ने चौथी आठ के कौन से आइडेंटिटीज है आप मेरे को कमेंट में बताना, अपन ने आठ नौ आइडेंटिटीज प्रूफ कर ली अभी तक। अब मैं आपको एक आइडेंटिटीज बताता हूँ जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो वो आइडेंटिटीज बताता हूँ मैं आपको अभी। देखो आप टेबल बताओ कि क्या होती है साइन की कॉस की और टेन की, टेबल बताओ मेरे को क्या होती है। तो टेबल तो आप सबको याद होगी वैसे तो, उसकी साइन की जीरो होती है यहाँ पे 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और ये वन, इसको उल्टा हो जाता है कॉस वन √3/2, 1/√2, 1/2 और जीरो, और टेन क्या हो जाता है इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा जीरो, या आ जाएगा 1/√3, या आ जाएगा वन, या आ जाएगा √3 और या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ये कितना होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये अपन ने अभी सिर्फ 90 डिग्री तक ही करी है, वैसे अपने 360 डिग्री तक होती है, तो 10 45 कितना होता है वन, अगर मैं पूछूं कि 10 45 डिग्री प्लस थीटा कितना होगा अपने पास, तो अपन आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे अपने पास, 10a+b वाली, 10a+b क्या होती है अपने पास 10a 10b, 10a कितना है 45, तो हो जाएगा 10 45 डिग्री प्लस 10 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 45 10 थीटा। 10 45 कितना होता है वन, तो हो जाएगा 1 प्लस 10 थीटा और ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -10 थीटा, तो ये भी अपने पास एक आइडेंटिटी आ गई 10 45 डिग्री प्लस थीटा की। देखो आप एक बार समझ में आया होगा आपको कि कैसे करा मैंने ये, इजी है गाइस, अभी मैं कुछ हार्ड नहीं बता रहा हूँ, आपको सब आ जाएगा, सब आएगा समझ, अगर इसी में मैं 10 45 माइनस थीटा का ही करता तो साइन चेंज हो जाता है, ऊपर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, वो हो जाता 1 माइनस 10 थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 थीटा। आप सारे मैं जितने भी नोट कर रहा हूँ ना, आप सारे नोट करते रहना तभी आपको समझ आएगा। हो गई है तो चले आगे।
अपने पास अपन नई आइडेंटिटी करते हैं, एक साइन 2 थीटा क्या होता है अपने पास, 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा यही होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। और cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा की खूब सारी वैल्यू होती है, आपको पता होगी, sin² थीटा माइनस cos² थीटा, 1 प्लस 2 sin² थीटा, 2 cos² थीटा -1, यही होती है शायद, या और होती है, मेरे हिसाब से तो यही होती है तीन। हाँ एक और होती है, वो बताता हूँ मैं, 1 मिनट। जो एक और होती है ना, उसको अपन डिराइव करेंगे थोड़ी देर में, तो आप अभी तक ये तीन ही याद रख लेना। और sin² थीटा की मैंने बताई आपको, ये होती है, और ये इसमें 10² थीटा की क्या होती है, 10² थीटा की होती है 10θ, 2 tan θ बाय 1 माइनस 10² थीटा। एक बार आप ये देख लो कि कैसे आई है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपन ने डिराइव करा इनको। आप इस पेज के स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बहुत काम की आइडेंटिटीज है आपके, पूरे NCERT में, JEE में कब तक तैयारी करोगे आप, मैं करवाऊंगा जब आपके पूरी काम आएगी, इसलिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। और चैनल पे आप अभी तक बने हो तो सही बता रहा हूँ, आप बहुत सही लेवल पे जा रहे हो, आप वीडियो को मिस ना करें और पूरी देखें। अब मैं बताता हूँ आपको साइन थ्री थीटा कैसा है आपके पास, उसको कर देता हूँ मैं 2θ + θ, 3θ हो गया। अब मैं इसको फॉर्मूले में डाल देता हूँ, sin x + y का फॉर्मूला था, x और y उसमें डाल देता हूँ, ये क्या हो गया साइन, अच्छा पेन ख़त्म हो गया, 1 मिनट, सॉरी वो गाइस पेन ख़त्म हो गया था स्टूडेंट्स। तो ये क्या होता है, ये आ जाएगा sin² θ cos θ + cos 2θ और sin θ, ये हो जाएगा ये। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं कर दूँगा 2 sin θ cos θ, 2θ यही होता है sin 2θ, इधर लिख दूंगा cos θ + इधर लिख दूंगा 1 - sin²θ, इधर रख दूंगा, इधर आ जाएगा तो मेरे पास sin θ, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी होती है cos²θ की, ये रख दी, तो ये क्या जाएगा 2 sin, कॉमन ले लूंगा अगर मैं, तो ये जाएगा 1 - sin²θ + sin θ - 2 sin³θ, तो हो जाएगा 2 sin θ - 2 sin³θ + sin θ - 2 sin³θ, हो जाएगा 2 - 2, और ये -2 - 2 का क्या हो जाएगा अपने पास, 1 मिनट गाइस 1 मिनट में देखता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे अपने पास, तो ये क्या हो जाएगा 4 sin³θ + और ये भी प्लस हो जाएंगे 3 sin θ। देख लो अपने, मेरे पास आ चुकी है sin³θ, में sin² थीटा 3θ रख के, अब ऐसे ही निकालते हैं अपन cos³θ, उसको कायम रखेंगे, उसको भी ऐसे ही रखेंगे 2θ + θ, तो वो क्या हो जाएगी अपने पास cos²θ - sin²θ sin θ, इधर क्या हो जाएगा इसमें 2 cos² - 1 cos θ - इसमें क्या आ जाएगा अपने पास 2 sin²θ cos θ। तो आगे क्या करूँगा मैं, ये आगे कर दूंगा मैं 2 cos³θ - cos²θ - 1 - cos²θ और 2 cos θ। sin² की फॉर्म मैंने रख दी है sin²θ की, ये आ गया मेरे पास 2 cos²θ और sin²θ, तो ये आ जाएगा आगे के स्टेप में 2 cos³θ
माइनस कॉस थीटा माइनस टू कॉस थीटा प्लस टू कॉस क्यूब थीटा, तो इसका हो जाएगा 4 cos³θ माइनस 3 cos θ। यह आ चुकी है cos³θ की आइडेंटिटी अपने पास, काहे की cos³θ की। स्क्रीनशॉट लेना हो जिसको ले लें, बहुत काम की है क्योंकि है। अब ऐसे करते हैं अपन, tan³θ क्या लिख सकते हैं हम अपन, tan²θ प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा tan²θ प्लस tan θ बाय वन माइनस tan²θ tan θ। इन सबको ब्रैकेट में डाल देना गाइस, हो जाएगा। इसकी आइडेंटिटी रख देंगे अपन, 2 tan θ माइनस 1 माइनस tan²θ प्लस, इस क्या हो जाएगा, ये तो tan θ बाय वन, अपन में क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 tan θ बाय 1 माइनस tan²θ, मल्टीप्लाई नहीं है तो हो जाएगा tan θ अपॉन में वन। तो इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी अपने पास, इधर मैं एलसीएम ले लेता हूँ इसका, 1 माइनस tan²θ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 tan θ प्लस tan θ से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस tan²θ, और नीचे क्या जाएगा, ये अपने को ये काय में दे रखा है, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये जाएगा 1 बाय 1। अब इसका तो ले ही लेंगे ना अपन एलसीएम, -2 tan²θ, ये मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं बाय 1 माइनस tan²θ कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 tan θ प्लस tan θ माइनस tan³θ डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan²θ, वापस डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan²θ -2 tan²θ, वापस डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan²θ। इससे मेरे ये कट गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते क्या है? अब मेरे पास आ गया 3 tan θ माइनस tan³θ डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan²θ, ये आ गई मेरे पास काई की आइडेंटिटी, tan³θ की आ गई। देख लो आपको समझ में आ जाएगी कि यार कैसे क्या करी। और जो भी चैनल पे नया है स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना यार, आप लोगों के लिए ही तो बनाया चैनल। अब जैसे मैं करता हूँ कि cot²θ की आइडेंटिटी क्या हो गया मेरे पास, tan²θ की निकाली थी, अगर अपन वैसे ही निकालें cot²θ की, तो cot²θ की क्या होगी अपने पास, 1 माइनस tan²θ बाय 2 tan θ। इसको भी डिराइव कर लेना आपकी, इसको cos²θ बाय sin²θ रख के, चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको कि cos²θ और sin²θ की रख के कि क्या आएगी क्या नहीं आएगी। तो मैं cos²θ की रखता हूँ अगर, तो यहाँ ये आ जाएगी cos²θ में क्या होता है अपने पास, 1 माइनस tan²θ बाय 1 प्लस tan²θ, और ये क्या होता है अपने पास 2 tan θ बाय 1 प्लस tan²θ। इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस tan²θ बाय 2 tan θ। कैसे रखा अपन ने इसको, cos²θ बाय sin²θ रख के करा है, ठीक है। देख लेना आ गई होगी आपको समझ में, इजी है वैसे तो, ज़्यादा हार्ड कुछ है नहीं यार, सब ज्ञान ही हो आप लोगों के लिए कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। आ गई अपन ने कैसे करा, आगे चले। अब आगे अपन करते हैं कुछ बढ़िया सी आइडेंटिटी करते हैं जो अपने बहुत काम आएगी, हर एक क्वेश्चन में काम आएगी, मतलब कि यार बहुत लगती है, ये भी लगती है और आगे वाली जो करेंगे वो भी लगेगी। तो जैसे मैं करता हूँ कि आइडेंटिटी cot θ माइनस tan θ की आइडेंटिटी होती है मेरे पास 2 cot²θ,
ये आप याद करके रखना कि यार ये आइडेंटिटी होती है। इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे। इसको अपन इस पेज पे प्रूफ करके दिखाता है कि कैसे आएगी आइडेंटिटी, कैसे होगी ये। कॉट 2 थीटा माइनस थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट 2 थीटा माइनस थीटा, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन 2 थीटा माइनस थीटा। अब इन दोनों की मैं आइडेंटिटी रख देता हूँ, क्या जाएगा, कॉट 2 थीटा कॉट थीटा प्लस वन बहुत डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस कॉट 2 थीटा माइनस टेन 2 थीटा माइनस टेन थीटा बाय वन प्लस टेन 2 थीटा टेन थीटा। तो ये क्या जाएगा अपने पास, कॉट 2 थीटा क्या होता है अपने पास, कॉट 2 थीटा, 2 कॉट थीटा प्लस थीटा, 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन बाय 2 कॉट थीटा, 2 से 2 कट गया, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन बाय कॉट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस बाय कॉट थीटा माइनस वन बाय कॉट थीटा। इससे मेरा एक बार क्लिक कट जाएगा, जाएगा कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। आ गई आपको कैसे करा। तो मैं आपको एक आइडेंटिटी देता हूँ घर से, मतलब होमवर्क में प्रूफ करना, 10 4 थीटा क्या होता है, जरा प्रूफ करना कि क्या होता है 10 4 थीटा। चलो चलते आगे, इसको जरूर प्रूफ करना, और जो कर ले मेरे को कमेंट में बताना कि क्या होता है। तो अपन करते हैं ग्राफ करते हैं थोड़े बहुत, और अपने पास आइडेंटिटी अभी बची है बहुत सारी, पर ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ में क्या होता है। तो मेरे पास ग्राफ कुछ ऐसे तरीके का होता है, इधर अपने पास आते हैं ऑल पॉजिटिव, इधर आते हैं अपने पास साइन, और उसको उल्टा क्या होता है, कॉसेक पॉजिटिव, इधर आते हैं मेरे पास टेन और कॉट पॉजिटिव, इधर आते हैं मेरे पास कॉस और सेक पॉजिटिव। ये जो लिख रहा हूँ मैं पॉजिटिव आता है, इधर क्या आता है 360 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, इधर क्या आता है 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, इधर क्या आता है 270 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, इधर क्या आता है 360 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा। ये ऐसा अपने कुछ ग्राफ होता है। अगर मान लो अपने को बोल दें इस ग्राफ में कुछ क्वेश्चन करें, चलो करते हैं। अगर अपने को बोल दें साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना होगा, तो 180 प्लस 45 काहे में आ रहा है इसमें, पर इसमें तो टेन कॉट है, तो इसमें साइन क्या होगा, माइनस, तो आ जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री। और ऐसे ही करते हैं अपन कॉस 180 प्लस 45 क्या होगा, अब इसमें माइन पॉजिटिव तो 2 ही है ना, कॉट टेन और कॉट वो भी नेगेटिव है, तो वो भी आ जाएगा माइनस कॉस 45 डिग्री। जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत काम की चीज़ें हैं, इसलिए आप इनको गौर से देखेगा। अगर मेरे को बोलते, देखो सपोज इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, फाइंड थीटा क्या होगा, तो मैं, अगर कोई बच्चा होगा छोटी क्लास का, तो वो क्या बोलेगा, कॉस कितना होता है आपके पास, अपन ने भी पढ़ा था, कॉस 60 डिग्री बोलेगा वो, तो ये 10th की लेवल तक का है कि कॉस 60 डिग्री बोलेगा, पर अपन ना भाई 11th में आ चुके, तो अपन क्या बोलेंगे कि कॉस थीटा है ना 1/2, कॉस थीटा इसकी जगह प्लस माइनस कुछ भी दे रखा है, तो माइनस 1/2 कहाँ का हो सकता है, माइनस कॉस 60 डिग्री में,
प्लस और थीटा क्या हो सकता है, 120 डिग्री पे भी हो सकता है, 240 डिग्री पे भी हो सकता है, कैसे निकाला चलो देखते हैं। तो ये आ जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो मैंने इसमें रख दिया मैंने कॉस 180 माइनस 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 120 डिग्री। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि खूब खूब जगह की कॉस थीटा का, जैसे कॉस थीटा 120 डिग्री, 240 डिग्री, थीटा इन इन जगह पॉजिटिव नेगेटिव होगा, इन इन जगह नेगेटिव का 1/2 होगा। तो ऐसे ही मैं देखता हूँ कि इफ़ टेन थीटा मेरे को दे रखा है माइनस का 1/√3, तो कि कहाँ कहाँ तो थीटा की वैल्यू पूछे। तो अपन एक तो बोल सकते हैं कि टेन थीटा माइनस 1/√3 दे रखा, तो ये माइनस 10 30 डिग्री पे होगा। और अपन बोल सकते हैं कि 10 180 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 180 माइनस 30 डिग्री है ना, ये क्या जाएगा 10 150 डिग्री। और 10 360 माइनस 30 डिग्री क्या जाएगा, 10 330 डिग्री। तो इन इन जगह पॉजिटिव होगा। ऐसे आप खूब सारे निकाल सकते हो कि खूब सारे वैल्यू आ जाएंगे आपके पास कि जहाँ जहाँ टेन पॉजिटिव होगा कॉस पॉजिटिव होगा। ऐसे आप कॉस के साइन के कर सकते हो, सब चीज़ के कर सकते हो, मतलब कि ऐसे कॉस के भी साइन के भी। तो अपन कुछ बढ़िया से आइडेंटिटीज देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि साइन 2 थीटा होता है 2 tan θ / 1 tan²θ, और कॉस 2θ होता है अपने पास 1 tan²θ / 1 tan²θ। तो अब मैं बताऊंगा कि ये दोनों आए कैसे, पता पड़ेगा बच्चों कि ये दोनों आए कैसे, कि क्या घाला मेली करनी पड़ेगी जब जाके ये दोनों आएंगे। तो चलिए चलते हैं। अब मेरे को अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालना है, एक ट्रायंगल है उसमें एक बेस और एक परपेंडिकुलर है ना, और बेस और परपेंडिकुलर मेरे को पता, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालना है मेरे को, तो मैं क्या कर दूंगा, बेस का क्या होता है 2 tan θ, मेरे को बेस दे रखा है स्क्वायर प्लस 1 - tan²θ का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ये क्या होगा 4 tan²θ प्लस 1² - 2 मल्टीप्लाई बाय 1 tan²θ प्लस 10² θ का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 2 tan²θ प्लस 10 4θ प्लस 1, ये आ गया मेरे पास h²। तो h क्या जाएगा मेरे पास इसका, ये 2 tan²θ प्लस 10 4θ प्लस 1, तो यह जाएगा मेरे पास एच हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या जाएगी मेरे पास 1 + tan²θ आ जाएगी मेरे पास हाइपोटेनियस। पहला निकालते हैं अपन sin²θ। sin²θ क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या थी 2 tan θ / 1 + tan²θ। दूसरी क्या थी कॉस 2θ, उसमें कैसे निकालेंगे अपन, बेस वाई हाइपोटेनियस, बेस क्या था 1 - tan²θ, और हाइपोटेनियस क्या आई 1 + tan²θ। गाइस ढंग से समझना, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, आपके बहुत काम आएंगे आइडेंटिटीज, और दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, इनसे बहुत क्वेश्चन बनता है। मैं बता दूँ आपको, पहली है 1 + cos²θ होता है 2 cos²θ, और दूसरी है 1 - cos²θ होता है 2 sin²θ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है, मैंने आपको अभी तक बहुत सारी आइडेंटिटीज़ बता दी, शायद ही किसी यूट्यूबर ने या शायद ही किसी टीचर ने आपको यूट्यूब पर बताई होगी। तो वैसे देखना स्टूडेंट्स, देखना स्क्रीनशॉट ले लेना इस पेज का,
अपन चलते हैं दूसरे पेज की तरफ। अब करेंगे अपन थोड़ी अच्छी आइडेंटिटीज करेंगे इसी में कि कैसे क्या होती है। तो चलिए चलते हैं। तो अब मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ एक, साइन सी प्लस साइन डी। ये अपने एनसीईआरटी में दे रखी है, 2 sin C+D/2 + cos C-D/2 होती है ये। और दूसरी लिख रहा हूँ मैं, 2 sin A sin B। ये होती है अपने पास cos A-B - cos A+B। अगर मान लो मेरे को दे रखा हो, मैं लिख रहा हूँ ये सब काम क्या है, sin 225 डिग्री निकालना हो, तो मैं कैसे निकालूंगा sin 225 डिग्री कैसे निकालूंगा मैं। अब ये मेरे 180 के क्लोज है, कितना क्लोज है, 45 डिग्री। तो मैं क्या लिख दूंगा, 180 डिग्री + 45 डिग्री। 180 डिग्री + 45 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये क्या हो जाएगा, -sin 45 डिग्री। और 45 डिग्री क्या होता है, 1/2, तो आ जाएगा माइनस का 1/√2। ऐसे अगर मेरे को निकालना हो tan 315 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 360 डिग्री की क्लोज है ये, तो 360 डिग्री - 45 डिग्री, तो ये क्या जाएगा, माइनस का 10 45 डिग्री, जो कि होता है माइनस का 1। और ऐसे ही कुछ निकालता है, और cos C - cos D दे रखा हो अगर मेरे को, तो होता है -2 sin C+D/2 sin C-D/2। अगर दे रखा हो, और अगर ऐसे ही मेरे को दे रखा हो, 2 cos A sin B, तो वो मेरे पास हो जाता है sin A+B - sin A-B। 10 3 थीटा की मैंने बताई थी आपको, sin 3 थीटा की बता दी, और क्या cos C - cos D की आपको बता दी। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, दूसरे पेज पे चलते हैं अपन, ले लेना जल्दी से, इसके स्क्रीनशॉट में हटा रहा हूँ। तो अपन देखते हैं आइडेंटिटी, अपन को देखनी क्या आइडेंटिटी। तो अपन देख ली थी sin C sin D और cos C - cos D। तो अपने पास अभी बची है sin C - sin D और cos C+cos D। तो मैं बताता हूँ आपको, दिख रहा नहीं कैमरे में, हो गया सही, sin C - sin D का हो जाएगी मेरे पास 2 cos X+Y/2 sin X-Y/2। और ऐसे मेरे पास cos C+cos D क्या हो जाएगी मेरे पास, 2 cos X+Y/2 cos X-Y/2। देख लेना आप, और NCERT में लिखी है वैसे तो सारी आइडेंटिटीज, देखना याद करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इन्हीं पे डिपेंड है अपने NCERT 3.3 के। और मैं आपको 3.3 एक्सरसाइज को सारे क्वेश्चन सॉल्व करके उसकी भी वीडियो बना दूंगा। तो अभी तो अपन इस क्लास में तो सारे फार्मूले ही सीखेंगे, क्योंकि 1 घंटे की बन जाएगी क्लास ही फार्मूले की, तो फार्मूले अपने बहुत काम के हैं। तो जैसे मैं बताता हूँ आपकी फार्मूले कौन कौन से और काम के होते हैं, तो मैं अपने फार्मूले और काम के होते हैं, जैसे sin 15 डिग्री cos 15 डिग्री tan 15 डिग्री। तो ये 3 फार्मूले की बहुत काम आते हैं, मतलब कि इन 3 डिग्रियों की वैल्यू ज़्यादा ही काम आती है कुछ। sin 15 डिग्री क्या होता है, √3 - 1/√2। और जैसे sin 75 डिग्री क्या होता है, इसका ही उल्टा होता है, √3 + 1/√2। ऐसे cos 15 डिग्री क्या होता है, √3 + 1/√2। और cos 75 डिग्री क्या होता है, √3 - 1/√2। इनको आप याद कर लेना, क्योंकि ये इनको भी डिराइव कर सकते हैं अपन, कि 60 - 45 करके, sin 60 डिग्री - 40 डिग्री करके। पर इनको याद कर लेना आप, कि हो जाएगी, आप खुद ही कर दोगे इनको डिराइव, क्योंकि ये भी काम की। और जैसे अब अपन करते हैं, अब अपन काय की करें, कौन सी आइडेंटिटी करें वो देखते हैं एक मिनट।
अपन क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन का मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, इसमें अपने सारे आइडेंटिटीज हैं। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा मैंने करवा दी, टू कॉट थीटा होता है, और भी शायद एक आधी आइडेंटिटीज ही रह रही होगी, वैसे तो सारी हो गई अपनी। अपने सारी आइडेंटिटीज हो गई, जैसे मैं अगली क्लास में आपको जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि sin 15 डिग्री, मैंने बताया कि अंडर रूट 3 + 1/2 √2 होता है, उसको अपन डिराइव कर सकते हैं sin 60 + sin 45 डिग्री करके। अगर ऐसे अपने को sin 18 डिग्री दे रखो तो अपन कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि यार अब क्या हुआ, तो ये तो आता ही नहीं अपने को। तो अब अपन ये सब सीखेंगे क्वेश्चंस में कि कैसे क्या होगा। sin 16 डिग्री कित मतलब इवन में भी कोई वैल्यू दे दे अपने को तो कैसे होगा। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, या प्रूफ करना, या आइडेंटिटीज प्रूफ करना आप। प्रूफ डैट sin 2 θ / 1 + cos 2 θ इजिकल्स टू 10 θ होता है, 1 - cos 2 θ / 1 + cos 2 θ 10² θ होता है, sin 2 θ / 1 - cos 2 θ cot थीटा होता है। मेरे को प्रूफ करके बताना कि ये सारी मैंने सही लिखी है गलत लिखी है, कि क्या है इनमें क्या नहीं है। ठीक है, नहीं आए तो आप बताना कि मैं आपको बता दूंगा कि मैंने कैसे करा था इनको। बस आज की वीडियो अपनी इतनी है, और मैं आशा करता हूँ आपको पूरी लेक्चर समझ में आया होगा। आप अगले लेक्चर में अपन करेंगे कि क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस में अपने को ये सारी आइडेंटिटीज यूज लेनी है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका वेलकम था मेरी वीडियोस में। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। सो थैंक यू, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे।